हेलो फ्रेंड्स आई विल नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑफ द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस तो यहाँ पे कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस दी हुई हैं और हमें ये चेक करना है कि आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए तो बेसिकली हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के रूल्स मालूम होने चाहिए पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा मैंने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है वैल्यूज को तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तीन क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड देन दे आर फाइनली डिवाइडेड बाय अ क्वांटिटी तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल अप्लाई होता है कि द रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ सो एज टू हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस रूल का मतलब है जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं उन सब क्वांटिटीज के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे और जिस क्वांटिटी में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है तो मुझे बारी बारी इन चारों जो टर्म्स हैं इन चारों नंबर्स का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स यूज करना चालू करूंगा सबसे पहले ये पहली टर्म मैंने सेलेक्ट की है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट तो टू एट फाइव और सिक्स चारों डिजिट सिग्निफिकेंट हैं लीडिंग टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट तो पहली नॉन जीरो डिजिट ये जो टू जो डिजिट है इससे पहले जितने भी जीरोज आए चाहे डेसीमल है या नहीं है ऑल दी जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट तो इस क्वेश्चन में इस ये जो पहली टर्म है इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मैंने यहां पे नोट कर लिया अब मैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे आता हूं नेक्स्ट नंबर है टू यहाँ पर सारी की सारी डिजिट्स नॉन जीरो हैं तो आर ऑल सिग्निफिकेंट सो दिस इज फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर हम थर्ड क्वांटिटी पे आ जाएंगे नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ पर तीन हैं वन वन और टू और पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोज हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ से आई मेरे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स और लास्ट जो टर्म है उसको देखते हैं इसमें चार नॉन जीरो डिजिट हैं फाइव सेवन एट और फाइव और पहली नॉन जीरो डिजिट फाइव इससे पहले वाला जो जीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे तो यहां से भी मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आई चार अब इन चारों क्वांटिटीज को देखते हैं फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइव थ्री और फोर इसमें से सबसे कम नंबर है थ्री तो हमारे आंसर में भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए तो हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है नाउ आई विल मूव ऑन टू दार्ट सेकेंड पार्ट पार्ट में हमें जो नंबर दिया हुआ है वो है फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव पॉइंट थ्री सिक्स फोर ऑफकोर्स दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज करना है दोनों क्वांटिटीज में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे और जिस क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है तो यहां पे दो डिजिट हैं ये है सबसे पहला नंबर है 5. अब ये एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है एग्जैक्ट नंबर्स आर टू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में सपोज थर्टी फाइव स्टूडेंट है तो वो एक एग्जैक्ट नंबर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थर्टी फोर पॉइंट नाइन या थर्टी फाइव पॉइंट फाइव नहीं हो सकते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आया वो है थर्टी फाइव विच इज एन एग्जैक्ट नंबर तो एग्जैक्ट नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इनफाइनाइट मान के चलते तो यहां पर नंबर है फाइव विच इज एन एग्जैक्ट नंबर तो इसमें मैंने इनफाइनाइट नंबर इन्फाइना दूसरा नंबर है फाइव पॉइंट थ्री सिक्स फोर इसमें चारों डिजिट नॉन जीरो हैं तो वी आर हैविंग फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर्स और फोर नंबर ऑफ फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो आंसर शुड हैव ओनली फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां से हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है नाउ आई विल मूव ऑन टू थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में आप नोट करेंगे यहां पर तीन नंबर्स दिए हुए हैं हैं और तीनों आपस में ऐड हो रहे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल अलग है एडिशन सब के लिए हम एक डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं द रिजल्ट इज टू बी राउंडेड ऑफ सो दैट इट हैज द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एज द मेजरमेंट हैविंग द फ्यूएस्ट फ्यूएसिमल प्लेसेस तो हम सारे नंबर्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक नहीं करेंगे हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी फिगर्स हैं पहले नंबर में डेसिमल के बाद देर आर फोर डिजिट्स तो देर आर फोर डिजिट्स ऑफ डेसिमल मैंने नोट कर लिया सेकेंड नंबर में भी डेसीमल के बाद देर आर फोर डिजिट्स और थर्ड नंबर में भी डेसिमल के बाद देर आर फोर डिजिट्स तो ऑफकोर्स हमें देखना है कि कौन से नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली तीनों में नंबर इज द सेम तो हमारे आंसर में भी वी विल हैव फोर डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल तो मैंने इन तीनों नंबर्स को ऐड करके यहां पे सॉल्व करके दिखाया है और आंसर में डेसिमल के बाद आई हैव केप्ट फोर डिजिट्स सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर हमने यहां पर तीनों जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है अब आप नोट करेंगे एडिशन में डेसिमल के बाद चार डिजिट्स हैं अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी बची हैं। तो यहां तो eight, two, है तो यहाँ पे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट तो और सिग्निफिकेंट हैं लीडिंग टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट एट जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे एंड लास्टली आपके जो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट तो ये जो चारों डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं तो आंसर शुड हैव सिग्निफिकेंट figures. So this is the final answer. Thank you so much for watching this video.